नमस्कार। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, कुछ विचार हैं। तो सबसे पहले कुछ ऐसी बातें जिनकी वजह से हम सब काफ़ी हर्षित और गौरवान्वित और प्रसन्नचित महसूस कर सकते हैं। दो दिन पहले 23 जनवरी को यहाँ पे एक लेक्चर था फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मेमोरी में, पी सुकुमार सेन की मेमोरी में, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने दिया था। और उन्होंने उसमें कुछ ऐसी बातें कही जो हम सब जानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिनको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ, गणतंत्र बना उसके 3 साल बाद 1950 में, ज़्यादातर दुनिया के चिंतक, फिलोसफर्स, दार्शनिक, विद्वान जो माने जाते थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जो थे ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, अमरीकी बड़े जर्नलिस्ट, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे एक आम राय ये थी कि भारत नहीं सर्वाइव करेगा एक लोकतंत्र की तरह, इसके कई टुकड़े हो जाएंगे बहुत जल्दी और हम बहुत ही पिछड़ा हुआ अशिक्षित देश हैं, इसलिए ये नहीं सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन आज 70 साल बाद गणतंत्र बनने के हम बहुत ही सैटिस्फैक्शन के साथ पीछे मुड़ के देख सकते हैं और इस बात पे गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि न सिर्फ हमने सर्वाइव किया बल्कि हम एक बहुत ही जीवंत, ज्वलंत और सक्रिय डेमोक्रेसी रहे, लोकतंत्र रहे। हमारे यहाँ लगातार चुनाव हुए हैं, चुनावों में कभी कोई दल जीता, कोई हारा, आपातकाल के अगर 2 वर्ष छोड़ दें हमेशा चुनाव समय पे हुए और अभी भी चुनाव समय पे हो रहे हैं। केंद्र में एक पार्टी का बहुमत है, काफ़ी अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि काफ़ी ब्रूट मेजॉरिटी है, तगड़ा बहुमत है उनका, लेकिन राज्यों में दूसरी राजनीतिक सोच और विचारधारा के लोगों की सरकारें बन रही हैं। तो अभी भी आर डेमोक्रेसी इज रियली ट्रूली किकिंग एंड अलाइव एज दे से। और जो लोग ये बात करते हैं कि एक अघोषित सा आपातकाल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, हर चीज़ तुलनात्मक हो सकती है, लेकिन मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत सरकार के बड़े बड़े आलोचक बातें करते हैं, टेलीविज़न शोज होते हैं, अखबारों में लिखा जाता है, तो मैं भी उस किस्म के पेसिमिज्म को शेयर नहीं करता। एक आइडियल सिचुएशन हो सकता है, नहीं है, लेकिन कोई ऐसी पेसिमिज्म की बात नहीं है। तो हम एक बिल्कुल मजबूत और जिसको कहें आज़ाद लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र रहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, किन विषयों पर हमें चिंता करनी चाहिए या कुछ सचेत रहना चाहिए या सजग रहना चाहिए। जैसे कि इस समय आंदोलन चल रहा है, शाहीन बाग एक बड़ा एक तरह से सिंबल बन गया है, प्रतीक बन गया है सरकार के विरोध जो लोग कर रहे हैं CAA को लेकर, NPR, NRC को लेकर। तो ये जो एक आंदोलन है, अब इसमें इसके साथ कितना जनाधार जुड़ा हुआ है, कितने लोग इनके साथ हैं, क्या ज़्यादा लोग विरोध में हैं CAA के या ज़्यादा लोग इसके पक्ष में, ये सब बातों पे कोई साइंटिफिक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन आंदोलन कई शहरों में हो रहे हैं और मेरा इसमें मानना है कि जैसे शाहीन बाग है तो गवर्नमेंट 2014 में भी और 2019 में भी, 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा था कि मेरी सरकार और मैं प्रधानमंत्री न सिर्फ उन लोगों का हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया है बल्कि उनका भी हूँ जिन्होंने नहीं दिया। उसी तरह से 2019 में उनका पहला नारा क्या था जब उन्होंने संसद में भाषण दिया, सबका साथ सबका विश्वास। तो मेरा मन आज प्रधानमंत्री से ये कहने को कर रहा है कि जब कुछ लोग आप ही के देश के, आप ही के प्रजातंत्र के, आप ही जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, उस देश के बाशिंदे अगर सड़कों पर कहीं बैठे हैं, तो आप या आपकी सरकार की तरफ से उनकी तरफ रीच आउट क्यों नहीं किया जा रहा है। देखिए, वो सड़क पर बैठे हैं, वो अपनी बात कहे जा रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से बड़े नेता या दूसरे जनाधार वाले लोग, सरकारी पक्ष ज़्यादातर या तो प्रेस ब्रीफिंग्स में व्यक्त किया जा रहा है या जनसभाओं में, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि कोई इन लोगों से जाके मिले, उनको बात समझाए। और उसके मेरे 2 कारण हैं ये कहने के। एक तो जब कोई जाके बात करेगा, स्पेशली अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई उनका सीनियर रिप्रेजेंटेटिव रीच आउट करता है, तो एक तो ये कहने के लिए बात हो जाएगी इन लोगों के पास कि देखिए हमसे कोई संवाद नहीं कर रहा, हमसे कोई मिल नहीं रहा, हमारे पास कोई आ नहीं रहा, हमारी कोई सुन नहीं रहा, तो एक तो ये बात ख़त्म होगी। उसके बावजूद अगर वो नहीं आंदोलन समाप्त करते हैं, सरकार की बात नहीं सुनते, तो फिर सरकार को ये ज़्यादा ठोक के कहने का मौका रहेगा कि देखिए ये कोई जन आंदोलन नहीं है, ये विपक्ष की राजनीति है, उन द्वारा संचालित आंदोलन है। तो अगर आपको वैसे भी संवाद करना चाहिए अपने लोगों के साथ, विपक्ष की अगर ये है सच में नीति रणनीति, तो उसको भी एक्सपोज करने में मदद होगी। और दूसरी चीज़, आपको अपने लोगों के साथ आप रीच आउट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, किस तरह से, कोई तो फेस सेवर दीजिए इन लोगों को अपना आंदोलन समाप्त करने के लिए। तो प्लीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जाइए, किसी को डेप्यूट कीजिए,
किसी को भेजिए जिससे कि इन लोगों से बात कीजिए, उन लोगों के बात समझाए। मेरा मानना है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, कि अगर कोई रीच आउट करेगा तो वो स्थिति में पहुँच चुके हैं। और सभी लोग जानते हैं, अमित शाह जी कह चुके हैं कि ये सरकार अपने फैसले वापस नहीं लेती, और CAA के मुद्दे पर तो उन्होंने ठोक के ये बयान दे दिया है। तो वो आंदोलनकारी भी समझ रहे हैं कि ये वापस नहीं होने वाला। अब उन्हें हटने का कोई सम्मानजनक रास्ता दे आप, तो एक तो बात की। दूसरी बात जो मुझे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लग रही है, श्याम सरन जो मेरे अनुसार भारत के सबसे सुलझे हुए और समझदार, संतुलित और बहुत ही शार्प फॉरेन सेक्रेटरी रहे हुए हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है 24 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस में, जिससे मैं काफ़ी हद तक इत्तफाक रखने की बात तो ज़्यादा हो जाएगी मेरे पार्ट पे, लेकिन जिसको मैंने पढ़ा और मुझे भी चिंता हुई कि जिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की हम बात करते थे चाइना के संदर्भ में, कि हमारे को चारों तरफ से घेर रही है, तो जिस तरह से शी जिनपिंग की म्यांमार यात्रा हुई है, वहाँ बंदरगाह बनने की बात हुई है, तो अब श्रीलंका में चाइनीज पोर्ट, बांग्लादेश में चाइनीज पोर्ट, पाकिस्तान के साथ उनके संबंध हमें मालूम ही है, वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो बन रहा है, और अब म्यांमार में भी। तो वेस्ट की तरफ और जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए भी, म्यांमार में जिस तरह से चीन का दोबारा से, पिछले 7-8 साल में कुछ कम हुआ था, दोबारा से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, आई एम श्योर हमारे फॉरेन पॉलिसी जो एक्सपर्ट्स हैं, नीति निर्माता हैं, वो सब इस विषय के प्रति सचेत होंगे, उनको इस बात का मुझसे ज़्यादा समझ और आइडिया होगी। लेकिन अब ट्रूली हम दोनों तरफ से, तीनों तरफ से चीन ने हमें एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में घेर लिया है, ये चिंता का विषय। पाकिस्तान वापस से ट्रंप के नज़दीक हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान अमरीका और ट्रंप के लिए एक बड़ा मुद्दा है, तो वो पाकिस्तान को कंसेशन दे रहे हैं और पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बढ़ा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ये समझ रही है, जान रही है, बस मैं उस बात को दोबारा से रेखांकित कर रहा हूँ। अर्थ के मोर्चे पे आज हमारी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, अगेन इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स ली हैं और जिस तरह से इस गवर्नमेंट का एक रीच आउट हुआ है इकोनॉमिस्ट के लिए, ट्रेड बॉडीज़ की तरफ, तो एक अच्छा बजट आने वाला है। लेकिन इस बजट में दिस गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू गेट इट रॉन्ग। डेफिनेटली इस तरह की मैसेजिंग होनी चाहिए, इस तरह के मैसेज जाने चाहिए, संदेश जाने चाहिए, इस तरह के बोल्ड रिफॉर्म्स होने चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो एनिमल स्पिरिट है वो दोबारा रिवाइव हो, हमारी ग्रोथ स्टोरी दोबारा से पटरी पे आए। किस तरह से दुनिया भर में आज चर्चा हो रही है कि भारत न सिर्फ खुद पिछड़ रहा है अपनी ग्रोथ को लेकर, लेकिन भारत की कमज़ोर होती बढ़त दर की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी मंदी आ रही है। तो हमें उन सब नेसेयर्स को, उन सब पेसिमिस्ट को इस बजट में कहीं ना कहीं गलत प्रूव करना होगा। बस कुछ बातें जो मन में थी वो आपसे शेयर कर ली, आंतरिक स्थिति के बारे में, हमारी सुरक्षा और इंटरनेशनल संबंधों के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। लेकिन एक बार फिर जाते जाते मैं दोबारा यही कहूँगा कि फिर भी पेसिमिज्म की बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, हमें इस बात के लिए असल में बहुत खुश होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये प्राइड के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हमने उन सब नेसेयर्स को, उन पेसिमिस्ट को गलत साबित करते हुए आज एक बार फिर अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं एक मजबूत और बहुत ही ज्वलंत और जीवंत लोकतंत्र की तरह। नमस्कार।